जी स्टूडेंट, 9.1 साइज के दूसरे क्वेश्चन में उन्होंने मुख्तलिफ क्वेश्चन जो है वो रेडियन में दिए हुए हैं। उन्होंने पूछा होगा कि इनको आप डिग्री और मिनट सेकंड में कन्वर्ट करें। तो उनमें पहला क्वेश्चन ये है कि हमें पाई ओवर 8 दिया हुआ है, इसको हमने कन्वर्ट करना है डिग्री में, मिनट या फिर सेकंड जो भी आगे इसमें हो सके। तो इसका मतलब पहले ये रेडियन में है, यानी ये रेड में, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए वही प्रोसेस, उसको उल्ट कर देना है, पाई ओवर 8 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 5। यानी पहले हम हमारे पास डिग्री में होता था, उसको रेडियन में करने के लिए हम पाई बटा 180 करते थे। तो इस दफा हमने क्या करना है, 180 बटा पाई कर देना है, ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं हमारे पास क्या होता है, ये कैंसिल आउट हो जाता है, पाई बाय से कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो 8 जो है वो डायरेक्ट तो इस पे डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन 2 पे ये डिवाइड हो सकता है, ठीक है जी। तो अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो क्या आता है हमारे पास, ये 4 आ जाएगा और ये हमारे पास 90। तो मजीद देखें तो 2 पे डिवाइड हो जाता है, ये 2 आ जाएगा और ये 45। तो 45/2 ये हमारे पास जो है वो डिग्री में है। लेकिन अभी इसको मजीद हम आगे हल कर सकते हैं, जो कि डिवाइड करने से हमारे पास 45 डिवाइड बाय 2 आ चुका है, ठीक है। इसको अगर मजीद हम डिवाइड करें तो हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद 22.5 आता है, जो कि डिग्री में है। अब 22.5 ये जो आगे 0.5 है, इसको हम मिनट में सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका होगा क्या कि आप 0.5 को मल्टीप्लाई बाय 60 कर दें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास 30 आ जाएगा, जो कि मिनट होगी। अगर मल्टीप्लाई करने से जैसे ये 30 आ गया, 30 से आगे पॉइंट में फिर कुछ वैल्यू आ जाती है, तो उसको मजीद हम क्या करेंगे, इसी तरह 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आगे मजीद उसके सेकंड हो जाते हैं। तो फिलहाल ये मतलब यहां पर कंप्लीट हो गया है। तो इसका मतलब ये है हमारे पास 22 डिग्री और 30 जो है वो मिनट इसका आंसर आ सकता है, ठीक है जी। जी मजीद इसमें हम एक दो एग्जाम्पल देख सकते हैं जिसको हम कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि हमारे पास पाई ओवर 6 है, तो इसको भी अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पाई ओवर 6 मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर 5। तो पाई पाई से कैंसिल, ठीक है। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो डायरेक्ट डिवाइड हो जाता है। इस तरह एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, जो कि है 3π/4, ठीक है जी। इसको भी हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम, सिंपली 3π/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिवाइड बाय पाई से, तो पाई पाई से कैंसिल आउट, ठीक है। तो 4 पे इसमें डिवाइड करें तो ये 45 आ जाएगा, ठीक है जी। तो 45 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 5 × 3 = 15 होता है, तो उसके बाद हम कहेंगे और ये 135 ये इसका डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। यानी अगर 3 को आप 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो 135 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हम किसी भी दिए हुए क्वेश्चन को जो कि रेडियन में हो उसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाय पाई, यानी 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई करें।